क्वेश्चन ये है कि क्या सफ़र का महीना ऐसा है कि हम इसमें इसके इसकी बरकत से इसके वसीले से कोई दुआ मांग सकें जैसे बकिया महीनों के वसीलों से दुआ की जाती है। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन था जो उमूमी तौर पे जहन है उससे हटकर था कि उमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि सफ़र का महीना एक मनहूस महीना है और इसमें आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं, इसलिए हमारी बहनों ने इस किस्म की बातें सुनकर एक जहन बना लिया है कि इस महीने में जो भी शादी होगी वो नाकाम होगी, इसलिए इस महीने में शादी नहीं करते हैं और उसे कहते हैं खाली का महीना। इसकी क्या शरई हैसियत है बताते हैं। देखें, कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई चीज़ अज़ ख़ुद मनहूस नहीं है, शरीयत ने उसमें नहूसत रखी नहीं है, ये उसूल याद रखिएगा। लिहाजा ये कहना ये कप मनहूस है, गिलास मनहूस है, ये पेन मनहूस है, बहु मनहूस है, माज़ल्ला कोई महीना बिल्कुल जायज़ नहीं है, पहली बात याद रखें। हाँ, अगर किसी की बद किरदारी है या उसका मिसबिहेव है, उसका रवैया ख़राब है, अखलाक ख़राब है, उसकी वजह से ये कहा कि उसके अमल उसने ख़राब किया, लोगों को नुकसान पहुँचता है, तो ये कह सकते हैं कि यार इसकी बड़ी नहूसत है, इससे लोग बड़े बेचारे परेशान हैं। ये उसके अमल की कबाहत बयान हो रही है, ये नहीं है कि फ़ी नफ्स एक चीज़ पैदा होती है तो नहूसत के साथ पैदा होती है, तो ये जहन बना लें। दूसरी बात ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अनवर में कुफ़ार सफ़र के महीने को मनहूस कहते थे, इसलिए सरकार ने फरमाया वला सफ़र, ये सफ़र कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई आसमान से बलाएँ वगैरह नाजिल नहीं होती हैं। बहनों के लिए गुजारिश ये है कि एक रिवायत के मुताबिक, यहाँ दो रिवायातें, एक रिवायत के मुताबिक बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का अक़्द मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम के साथ सफ़र के महीने में ही हुआ था। दो रिवायतें, एक में ये और एक रमज़ान की रिवायत है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर सफ़र वाली रिवायत ले लें तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए इस महीने का इंतखाब फरमाया अपनी साहिबजादी के लिए, तो फिर कैसे ये महीना मनहूस हो सकता है? तो ये गलत बात मशहूर है। अब जब गलत बात मशहूर है तो ये महीना आम महीनों की मिसल है, और इसमें अगर आप ये देख लें हर महीना ऐसा ज़रूर होगा जिसमें बहुत से बुज़ुर्गों का विसाल हुआ और उस महीने में बहुत से बुज़ुर्ग पैदा हुए, जैसे रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वजह से हम कहते हैं बेहद बरकत है। ऐसी किसी बुज़ुर्ग के बारे में अगर पता चल जाए कि इस महीने में आपकी पैदाइश है या आपका विसाल है, उर्स मनाया जाता है, तो हम कहते हैं इसमें बहुत सी बरकत हैं। ऐसी जब सफ़र में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी, लिहाजा ये ख्याल गलत है, और इसके वसीले से अगर दुआ करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल ये ख्याल गलत है, इसको निकालें।